नमस्कार। देसज के खास आयोजन गल्पगोई में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार औधे स्मृत। मैं अपने मेहमान कथाकार औधे स्मृत जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इनके 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, हस्तक्षेप, नृशंस, हम जमीन, कोहरे में कंदिल और चांद के पार की एक चाबी। अशोक राजपथ नाम से इनका उपन्यास प्रकाशित हुआ है। इनकी कहानियां हिंदी साहित्य की धरोहर हैं और इन्होंने अपनी कहानियों के जरिए व्यापक हिंदी समाज का ध्यान आकर्षित किया है। औधे स्मृत को इनकी कहानियों के लिए, इनके कथात्मक अवदान के लिए बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, विजय वर्मा कथा सम्मान, डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी कथा सम्मान और फणीश्वर नाथ रेणु सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। मैं एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं अपने मेहमान कथाकार औधे स्मृत का और उनके प्रति शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने देसज के गल्पगोई में कहानी पाठ का हमारा आग्रह स्वीकार किया। श्री औधे स्मृत। नमस्कार। आज की जो कहानी है मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, इस कहानी का शीर्षक है ब्रेकअप। अगर यह कोई कहानी होती तो इसे शुरू करना और खत्म करना ही नहीं, इसे बयान करना भी ज्यादा दिलचस्प और आसान होता, क्योंकि किस्सागो को यह महारत हासिल होती है कि वह अपने अर्जित कौशल, अपनी जादुई भाषा और कल्पना की उड़ान से सुनने और पढ़ने वालों को सम्मोहित कर ले। लेकिन अफसोस, यह जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं यह कोई कहानी नहीं है, लिहाजा इसमें कई किंतु परंतु हैं, कई संकोच हैं, कई आगा पीछा हैं और सबसे मुश्किल यह कि इसमें आपके अभिजात्य को नापसंद किस्म का लगने वाला अनगढ़पन भी हो सकता है, यानी इसमें कुछ भी तयशुदा नहीं क्योंकि यह कहानी नहीं है। बहरहाल मैं जो कहना चाह रही थी वो यह कि मैं अपने रूम में अभी अभी लौटी थी और कपड़े चेंज करके रोज की तरह मम्मी को कॉल करने ही वाली थी कि मेरे मोबाइल की घंटी बज उठी। कायदे से यह कॉल मम्मी की होनी चाहिए थी क्योंकि इस वक्त या तो मम्मी मुझे कॉल करती हैं या फिर मैं खुद मम्मी को। मेरी ओर से देरी होने पर आमतौर पर मम्मी घंटी घनघना देती हैं बिल्कुल कान उमेटने के अंदाज में, लेकिन कॉलर ट्यून से साफ था कि यह कॉल मम्मी की नहीं है। मैंने मम्मी के नंबर पर मम्मी इज कॉलिंग सेट कर रखा है और इस बस्ती ट्यून में ऐसा कुछ नहीं था। फिर यह किसकी कॉल है? रोहन की कॉल तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसे पता है कि इस वक्त मैं अपने घर बात करती हूँ और वह स्वयं भी मुझे इस वक्त डिस्टर्ब नहीं करता। अनमने भाव से मैं स्टडी टेबल के पास लपकी, क्षण भर को ढिठ की, कहीं अमन की कॉल हुई तो। आजकल वह भी गुमनाम नंबरों से फोन करने लगता है। मेरे लाख मना करने के बावजूद उसकी यह हरकत जारी है। बेतहाशा हो रही रिंग के बीच अनजान नंबर दिखा, जी में आया कि कॉल कट कर दूं, लेकिन खुद को समझा लिया थोड़ी देर बजने के बाद अपने आप चुप हो जाएगा। धैर्य के साथ कॉल पूरी होने की प्रतीक्षा करती रही। आखिर रिंग बजनी बंद हुई, लेकिन अभी राहत की सांस भी नहीं ली थी कि मोबाइल फिर बज उठा। इस बार तो खुद को जबरन जब्त किया। यह सिलसिला लगातार जारी रहा तो कॉल पिक करके बेरुखी से पूछा, हु इज देयर? दूसरी ओर सन्नाटा छाया रहा। मैं हेलो हेलो करती रही लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो खुद को काबू रख पाना मुश्किल हो गया। लगभग चीख पड़ी, क्या हुआ, सांप सूंघ गया, जीभ को लकवा मार गया या होश उड़ गया, बोलते क्यों नहीं? कुछ सेकंड की प्रतीक्षा के बाद भी दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया तो कॉल कट कर मम्मी का नंबर लगाने लगी। अभी डायलिंग पूरी भी नहीं हुई थी कि वही नंबर फिर चमका और रिंग बजने लगी। इस बार
तो कॉल रिसीव करके बगैर हेलो बोले दम साधे दूसरी ओर की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगी। अचानक किसी वीराने में हहराती हुई एक आवाज उभरी, शिखा आई लव यू। इस आवाज को 7 तालों के पीछे भी पहचान सकती हूं, यह अमन था। उसकी आवाज का सम विषम आरोह अवरोह सब पहचानती हूं। एक बार ही मेरे भीतर का गुस्सा नरम पड़ गया, मानो सोडा वाटर का उफान तली में जा बैठा हो। भीतर से एक आह से निकली और बिना कुछ बोले मैंने कॉल कट कर दी। इतनी नामालूम आवाज की दूसरी ओर पता तक न चले, हालांकि मेरे अंदर कुछ कट सा जरूर गया था। अमन अब नंबर बदल बदल कर कॉल करने लगा था। उसका पुराना नंबर जब से ब्लॉक किया है, वह इसी तरह अनजान नंबरों से कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन अनजान नंबरों से अमन के अलावा भी किसी के फोन आ ही जाते हैं। कई बार वे जरूरी कॉल भी होते हैं, इसलिए हर अनजान कॉल को इग्नोर करना संभव नहीं होता। ऐसे ही अनजान नंबरों से अमन के कॉल करने के चलते मैं उससे कई बार अपनी नाराजगी जता चुकी हूँ। अमन समझते क्यों नहीं कि मैं तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती, हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं, फॉर गॉड शेक मुझे तंग मत किया करो। लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। मेरे बार बार मना करने के बावजूद उसकी यह हरकत जारी है। मेरी परेशानी भांप कर एक बार रोहन भी अपना धैर्य खो बैठा था। कहो तो मैं उससे बात करूं, लगता है लातों का भूत बातों से नहीं मानने वाला। मैंने रोहन को मना कर दिया, क्या करोगे लड़ाई? रोहन तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, तुम्हें ये सूट नहीं करता, प्लीज हमें किसी लफेड़े में नहीं पड़ना। लेकिन शिखा, मैंने उसकी बात काट दी थी, नहीं रोहन तुमको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद समझ जाएगा। मेरा अनुमान गलत निकला। ब्रेकअप के 8 महीने हो गए, लेकिन समझने के बजाय वह कहीं ज्यादा अमान हो चुका है। उसकी हरकतें दिन पर दिन उग्र होती जा रही हैं। उसकी उदंडता से आज ही आकर पिछले दिनों मुझे उसकी शिकायत डीन से करनी पड़ी। डीन ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दे रखा है, लेकिन अमन पर इसका उल्टा असर हुआ। उसे इतना भी लिहाज नहीं रहा कि हम कभी एक दूसरे के खैरख्वाह रहे हैं। हमने एक दूसरे का भरोसा जिया था, मुट्ठियों में गुजरे लम्हे और धड़कनों में दुआओं का संबल रखा था, वह सब कुछ भूल गया था, पागलों जैसा बिहेव करने लगा था। एक दिन रिंकी ने बताया था, अमन तुमसे बहुत प्यार करता है, शिखा तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, बोलता है शिखा मेरी और सिर्फ मेरी है। वह मेरे लिए अतीत हो चुका था, उसकी किसी बात का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला था। मैंने उपेक्षा भाव से रिंकी को जवाब दिया, रिंकी ही डिजंट डिजर्व, उसे कह देना आई एम नॉट हिज प्रॉपर्टी। अमन के इसी डोमिनेंस एटीट्यूड, मेल शोविनिज्म की हरकतों से आज ही जाकर मैंने उससे दूरी बनाई थी, लेकिन दिन पर दिन उसकी बदतमीजियां बढ़ती जा रही थी। उसने कई बार मेरा रास्ता भी रोकने की कोशिश की। एक बार तो उसने कैंटीन में जबरन मेरा हाथ पकड़ लिया था, बहकी बहकी बातें करते हुए उस दिन अच्छा खासा तमाशा बना दिया था। वो तो रिंकी के बीच पड़ने से मामला शांत हुआ, वरना मैं भी उसके साथ कुछ कर बैठती, तब वाकई मेरा धैर्य जवाब दे गया था। शुरू में वह सिर्फ लंबे लंबे मैसेज भेजता, उनमें अपने दिल का हाल लिखता, प्रेम की फिलॉसफी बघारता, मोहब्बत के मायने समझाता, एक से एक जज्बाती शेर भेजता, इश्किया कोट्स डालता, इनमें रोमानियत होती, उदासी और मायूसी होती, तड़प और उलहने का इजहार होता। ये मैसेज पढ़ते हुए कभी कभी मुझे गुदगुदी होती, कभी कोफ्त, कभी मन व्यथित होता, कभी रोष से भर जाता। उसे सोचते हुए भीतर ही भीतर बहुत कुछ टूटता फूटता, कितने आंसू, कितनी ही हिचकियां कमरे के सन्नाटे में दफन हो जाती। मुझे लगता है अपने अतीत से बाहर निकलना आसान नहीं होता। समय भले ही अतीत को पीछे छोड़ दे, अतीत हमेशा हमसाया होता है। एक साल कम नहीं होता, वह धीरे धीरे मेरे करीब आता गया था, मेरे वजूद पर छा गया था। उसके बिंदास अंदाज, केयरिंग नेचर और आकर्षक सच धज से इस कदर प्रभावित हुई थी कि कब उससे प्रेम करने लगी पता ही नहीं चला। बेख्याली का आलम ऐसा कि ख्यालों में गुनगुनाती, ख्वाबे में मुस्कुराती, मौसम कोई भी हो, मन में बसंत ठहरा रहता, तब जैसे सम्मोहन में बंधी थी आंखें, हर और वही दिखता जो जादूगर दिखाता। वो छोटे शहर से आई मैं, चेहरे और मुखौटे में फर्क नहीं जानती थी, हर किसी पर विश्वास कर लेने की सरलता मेरी प्रकृति थी। माँ मेरी इस आदत पर अक्सर टोकती, हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेना अच्छी बात नहीं है, हर किसी पर अविश्वास करना भी तो अच्छी बात नहीं है माँ। मैं माँ को निरस्त करना चाहती। माँ गंभीर मुद्रा में चेताती, लड़की जात को इस मामले में सचेत रहना पड़ता है, बेटा
जमाना बहुत खराब है। कितना जमाना देखा है तुमने, मायका से ससुराल, ससुराल से मायका। उस दिन जब माँ का मजाक बनाया तो उनकी आंखें पनीली हो आई थी, मैं अवाक चका अपराध बोध से भर गई थी, माँ को कंधे से पकड़कर झिझोड़ा था, सॉरी माँ। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, माँ की आंखों में नमी कोरों में अटकी हुई थी, मेरी किस्मत ही ऐसी थी कि देश दुनिया कुछ नहीं देख पाए। डोंट वरी माँ, मैं दिखाऊंगी तुम्हें दुनिया, मैंने माँ को भरोसा दिलाया था, बस मेरा टाइम आने दो। माँ ने ठंडी सांस खींचते हुए उतनी ही ठंडी कामना की थी, भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करें। भगवान तो बाद में करेगा, पहले तुम मेरी इच्छा पूरी करोगी। पापा को पोट कर ऐसे ही किसी दिन छेड़छाड़ वाले जज्बाती लम्हों के बीच मैंने माँ को भरोसे में लिया था। प्रकारांतर से माँ को हर बार की तरह इस बार भी जताया था कि तुम्हारा साथ चाहिए और तुम चाह लोगी तो पापा मुझे बाहर पढ़ने भेजने को राजी हो जाएंगे। हर बार की तरह माँ ने ठंडी आह भरी थी और मुस्कुरा कर जवाब टाल दिया था। पता नहीं हुआ मुझे आश्वस्त करने से बचती या खुद पर विश्वास न होने की कमतरी से डरती। जितना मैं अमन को जानती हूँ, वाकई यकीन करना आसान नहीं होता कि वह ऐसी जुनूनी हरकतें करेगा, लेकिन वह जो कर रहा था उससे अब मेरा विश्वास मजबूत हो गया था कि उससे अलग हो जाने का मेरा फैसला बिल्कुल सही था। इस फैसले पर न मैं एक दिन में पहुंची थी, न यह फैसला किसी वक्ती जज्बात में लिया था। उससे मुंह भंग का सिलसिला बहुत पहले से ही शुरू हो गया था, थोड़ा थोड़ा, किस्त किस्त। नदी का कोई किनारा लहरों के थपेड़ों से जैसे थोड़ा थोड़ा कटता जाता है और धीरे धीरे अपने सैलाब में सब कुछ बहा ले जाता है, ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। वह फोन करता और किसी और से बात करने के कारण मेरा फोन बिजी होता तो वह मुंह फुला लेता। मैं बेतहाशा हंसते हुए उसे मना लेती, सॉरी यार, जरूरी कॉल था, समझा करो। वह तुरंत फुरत नहीं मानता तो मैं कान पकड़कर माफी मांगती और मुंह फुलाकर दूसरी ओर देखने लगती। वह मेरा हाथ अपनी दोनों हथेलियों में थाम कर कहता, शिखा प्लीज मुझे इग्नोर मत किया करो। अमन, मैं तुमको इग्नोर नहीं करती, बिलीव मी, बट दूसरों से बात ना करूं, हाउ इज इट पॉसिबल? ओहो, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती, यही तुम्हारा प्यार है, वह सवाल करता। मैं उसकी नाराजगी दूर करने के लिए कह देती, ओके ओके। ऐसे ही मान मनुहार में बात आई गई हो जाती, लेकिन धीरे धीरे उसका दखल बढ़ने लगा था। मम्मी या किसी दोस्त से भी बात कर रही होती तब भी वह अपेक्षा करता कि मैं उनके कॉल कट करके उससे बात करूं या उसके कॉल का तुरंत रिस्पांस करूं, क्योंकि उसे इग्नोरेंस पसंद नहीं। मैंने जब ऐसा करने से दो टूक मना कर दिया तो उसने निहायत बेकदरी से पूछा, एक बात बताओ, तुम्हारे लिए मैं इंपॉर्टेंट हूं या मम्मी? मैंने उसे समझाने की कोशिश की, तुम हो और मम्मी मम्मी दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, बट यू नो, कोई मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले, ये बर्दाश्त नहीं। पहली बार अमन इस लहजे में पेश आया था, उसके इस रूप को देखकर मेरा विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि यह वही अमन है जिसे अब तक देखती जानती रही हूं। जब तक मैं सामान्य हो पाती, अपनी ओर से कुछ कह पाती, वह तमतमाया हुआ लाइब्रेरी से बाहर निकल गया था। मैं किताबें समेट कर उसे पीछे भागी थी, लेकिन वह अपनी मोटरसाइकिल पर आंधी तूफान की तरह हवा हो गया था। मैं अपनी जगह सन्नाटे में खड़ी अभी अभी जो कुछ होकर गुजरा था उस पर यकीन करने की कोशिश करती असमंजस में बुद्ध थी कि सामने से आते रोहन ने पुकारा था, हाई शेखा। जबरन मुस्कुराई थी, हाई, लगा था जैसे मैं मुस्कुराने का अभिनय कर रही हूं, लेकिन क्यों, ये नाटक क्यों करना चाहिए मुझे? ये सवाल जहन में बेतरह पौंधा और मैं रोहन से नजरें छुराने लगी। पता नहीं मेरे चेहरे पर मेरा झूठ छप गया था या रोहन मन पढ़ने में माहिर था। उसने सीधे पूछा, क्या हुआ, डिस्टर्ब लग रही हो? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, झूठ छिपाने की कोशिश में इस बार हड़बड़ा गई। वो क्या है कि घर से मम्मी का फोन आया था, इसीलिए थोड़ा मूड ऑफ था। झूठ बोलकर पहली बार खुद को छोटा महसूस कर रही थी। क्यों, शादी ब्याह का मामला है? मम्मी लोगों को हर वक्त यही चिंता खाए रहती है, रोहन ने चुटकी ली थी। ठीक ही मुस्कुराहट के साथ मैंने बात बदल दी, आप लाइब्रेरी जा रहे हैं? हाँ, तुम रुकोगी या निकल रही हो? मैं निकल रही हूँ, जवाब के साथ ही तेजी से सीढ़ियां उतर गई थी। पता नहीं क्यों रोहन का सामना करने में सहज नहीं हो पा रही थी। रोहन की बहुत इज्जत करती, इसलिए नहीं कि वह पढ़ाई के प्रति बहुत सीरियस है, बल्कि इसलिए कि वह अपने सोशल कमिटमेंट और विजन को लेकर बहुत क्लियर है।
लड़कियों की भी बहुत इज्जत करता है, संवेदना से भरी कविताएं लिखता है, अपनी बात साफ गोई से रखता है। अमन ने ही बताया था कि रोहन आईएएस की तैयारी कर रहा है, उसकी सिंसियरिटी देखकर मुझे लगता है वो क्वालिफाई कर जाएगा। रोहन से परिचय भी अमन ने ही कराया था। उस दिन मैं और अमन कैंटीन जा रहे थे जो रोहन कैंटीन से आते हुए ऐन गलियारे में मिल गया था। उसे विश करके अमन ने पूछा था, हाई कॉमरेड कैसे हो। रोहन जवाब दे उससे पहले ही वह मुझसे मुखातिब हुआ था, शिखा ये रोहन है हमारा जीनियस, हार्डकोर कम्युनिस्ट, नॉलेज का विकिपीडिया, क्या फाड़ू पोयम लिखता है यार, एक नंबर। फिर अचानक जैसे कुछ याद आया हो जोर देकर बोला, और हाँ ये भी तुम्हारी ही तरफ का है। इस परिचय पुराण से उदासीन मैंने कोई उत्सुकता जाहिर नहीं की थी, लेकिन रोहन ने पूछा था, बक्सर से हो, बक्सर में कहाँ। पीपर पांती हिचकिचाहट के साथ इतना ही बोल पाई थी बस। आगे न मैंने कुछ पूछा और न अपने बाबत उसने कुछ बताया। एक लम्हे की जुम्बिश के साथ वह तेजी से लाइब्रेरी की ओर बढ़ गया था। उस दिन मैंने कैंटीन में अमन से कसकर नाराजगी जताई थी, किसी भी एरू गैरी से मिलवाने की क्या जरूरत है। ओए फायर ब्रांड, ज्यादा भाव मत खा, वो तेरे मायके वाला है इसीलिए मिलवाया, तू तो मेरी वाट लगा रही है, साला भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अमन अपनी रौ में बोलता चला गया, तुम नहीं जानते हमारी तरफ वाले कितने कंजर्वेटिव होते हैं, ऐसे लोगों से संदगी चस्पा थी। मेरी आंखों में आंखें डालकर अमन मुझे कन्विंस करने की कोशिश करने लगा था, वह कंजर्वेटिव नहीं प्रोग्रेसिव है, लाल सलाम वाला कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट कंजर्वेटिव नहीं होता, ये तुम कैसे कह सकते हो, कोई गारंटी है क्या। मैं भड़क गई थी। अमन मेज पर तबला बजाता गुनगुनाने लगा था, मैं तेनू समझावा की न तेरे बिन लगदा जी, मैं तेनू समझावा की। उसके होंठों पर शैतान मुस्कुराहट थी, मैं नकली गुस्सा जताती उसे घूरती रही। कॉफी आने तक हमारे बीच चुप्पी छाई रही, कॉफी से भाप उठ रही थी, उसके इसरार की प्रतीक्षा में मैं भी भाप हुई जा रही थी। उसने कॉफी का कप उठा लिया था, भाप अब उसके चेहरे के पास जमा हो रही थी। मेरा दिल उस पर आने लगा था, लेकिन मैं कतई पिघलने के मूड में नहीं थी। वह संजीदा हो आया था, सॉरी यार, आइंदा ख्याल रखूंगा। रोहन कभी कभार दिख जाता, कभी लाइब्रेरी में तो कभी कैंटीन में, कभी डिपार्टमेंट के बाहर बरामदे की सीढ़ियों पर, कभी रास्ते किनारे बने सीमेंट की किसी बेंच पर। ऐसे में उसे सीधे सीधे इग्नोर कर पाना संभव नहीं होता, शायद अस्वभनीय भी लगता। वह हल्की मुस्कुराहट के साथ हेलो कहता और मैं कैसे हैं आप कहकर आगे बढ़ जाती। कभी कभार रुक कर दो चार बातें भी होती, लेकिन अमन को यह रास नहीं आया। उसने अक्सर टोकना शुरू कर दिया, उस फाड़ू से ज्यादा खुलने मिलने की जरूरत नहीं है, समझी। जीनियस से फट्टू हो गया था रोहन, अमन की ईर्ष्या धुआने लगी थी। मैं फिर भी रोहन से बात करती, अमन को लगता मैं जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही हूँ। वह उलाहने देता और वार्निंग भी, वह रोहन के साथ मेरी दोस्ती को टॉलरेट नहीं करेगा, यह उसकी मुझ पर हावी होने की कोशिश थी। मेरी समझ में आने लगा था कि मैं ऐसी तंग गली में चल रही हूँ जहाँ स्पेस की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे में जख्म से ज्यादा मन छिलता, दुख की सीवने उधड़ती और सुख सहमासा बगलगीर होता। अमन से जुड़ना वैसे ही हुआ था, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे। फर्स्ट ईयर में कहां किसी को जानती पहचानती थी, अपने शहर से आई एक दो लड़कियों के अलावा यहाँ किसी से कोई रास्ता नहीं था। उन्हीं में थी रिंकी, अमन इसी रिंकी का फुफेरा भाई है। उसके पिता हाईकोर्ट के बड़े वकील हैं, ग्रेजुएशन के बाद उसका भी लॉ करने का इरादा है। उसकी लंबी लंबी बातों और बात बनाने के तरीके पर फिदा मैं अक्सर कहती, बेटा तुम में वकीलों वाले सारे गुण हैं, तुम एक दिन पक्का लायर बनोगे। लायर, आंखें दिखाता अमन। मैं हंसती, अरे बाबा लायर और लॉयर में कोई फर्क होता है क्या। अमन मेरी ओर झपटता तो मैं छिटक कर दूर चली जाती, वह नकली तेवर दिखाता और मैं हंसकर कहती, जाओ तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम एक दिन कामयाब लायर बनोगे, माँ अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अमन मेरे सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता, मैं उसी मूड में दाएं हाथ वो आशीर्वाद भी मुद्रा में उठाकर कहती, एव मस्तु तथास्तु। बालक तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, रिक्वेस्ट ग्रांटेड। पहली मुलाकात उसके घर पर हुई थी। रिंकी के पेरेंट्स उसकी शादी का दबाव बना रहे थे और रिंकी अपनी बुआ के पास मदद के लिए गुहार लगाने गई थी। उसने बताया था उसकी बुआ की बात कोई नहीं टाल सकता, उसके पापा भी नहीं।
बुआ की दो टूक सुनकर रिंकी रुवासी हो गई थी। मैं भी बुआ का मुंह ताकती रही थी। उनके स्निग्ध चेहरे पर अचानक कठोरता आ विराजी थी। उस क्षण तो मुझे लग रहा था जैसे यह रिंकी की नहीं मेरी भी बेचारगी हो। तभी उस दृश्य में अचानक अमन नमूदार हुआ था। उसे देखकर मैं सब कुछ आ गई थी। अमन मेरी ओर एक सरसरी निगाह डालते हुए हेलो कहकर सीधे बुआ से मुखातिब हो गया था। मम्मी जमाना बदल गया है, जमाना बदल गया है। ये रिंकी आज के जमाने की लड़की है। तुम लोग उसके मन के खिलाफ काम करोगे तो वो कुछ भी कर सकती है। मान लो उसने सुसाइड कर लिया तो? अमन ने ये बात इतने तपाक से कही थी कि बुआ बुरी तरह सहर गई। उन्होंने चीखते हुए अमन को डांटा, दिमाग खराब हो गया है तेरा, जो मन में आए सो बोलता रहता है। बुआ की डांट का अमन पर कोई असर नहीं हुआ। उसने लापरवाही से कहा, देख लो बाद में पछताना ना पड़े। अमन की वो पहल, उसकी बेबाकी, उसके अंदाज का मुझ पर गहरा असर हुआ था। लौटानी पर मैंने रास्ते में रिंकी से कहा, अमन ने तेरा काम आसान कर दिया ना। रिंकी का मन बोझिल था। उसी मन स्थिति में उसने जवाब दिया, फिर भी अमन को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बुआ को बहुत दुख हुआ है। मम्मी पापा तो मुझसे ऐसी उम्मीद भी नहीं कर सकते यार। मैं उजबक सी रिंकी को देखती रही। वह मुझे उसी हाल में छोड़कर अपने पीजी चली गई। उसके बाद कई दिनों तक न रिंकी दिखी न अमन। रिंकी की अनुपस्थिति के बारे में अमन से पूछना चाहती थी और अमन के बारे में रिंकी से, लेकिन दोनों के एक साथ न दिखने से मेरे अंदर उलझन बढ़ गई। अचानक दोनों कहां गायब हो गए। एक सप्ताह बाद अमन कॉलेज में नजर आया तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाई, सीधे उसके पास जाकर पूछ लिया, कई दिनों से रिंकी नहीं दिख रही, आपको कुछ पता है उसके बारे में? मैं भी तो कई दिनों से नहीं था, आपने मेरे बारे में नहीं पूछा, चिंगम चबाता अमन हंस रहा था। वो मेरी दोस्त है, मैंने आंखें झुकाकर जवाब दिया। हम भी तो दुश्मन नहीं, अमन ने चुहल की। मैं चुप थी। अमन करीब आया, मेरा दिल धड़का। वह बोला, रिंकी की एंगेजमेंट हो गई है। मैं भी इसी सिलसिले में उसके घर गया था। वह एक दो दिनों बाद आ जाएगी। मेरी आंखें फैल गईं। अमन मेरे आश्चर्य को लक्ष्य कर हंसा, क्या हुआ मैडम, विश्वास नहीं हो रहा? मेरी बहन रिंकी जी बहुत संस्कारी आज्ञाकारिणी बालिका है। माँ बाप बुआ फूफा सबका कहना मानकर वह शादी के लिए राजी हो गई। उसका विरोध, उसकी नाराजगी, वो सब वो क्या था? मेरी आंखों की हैरानी शायद चेहरे पर पसर गई थी। सब ड्रामा था, लड़की सब एक नंबर की ड्रामेबाज होती है। वह रिंकी के निर्णय से नाराज था, शायद इसी बहाने सारी लड़कियों को टारगेट कर रहा था। मैंने मजा लेते हुए उसी के अंदाज में चुटकी ली, लगता है लड़कियों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। मामा मेरा मतलब ये नहीं था, अमन झेप गया था। उस दिन के बाद अमन से हाय हेलो का सिलसिला शुरू हो गया। कई दिनों बाद भी जब रिंकी नहीं लौटी तो मैंने उससे फिर दरियाफ्त किया। वह बुरी तरह भड़क गया, प्लीज उसके बारे में मुझसे बात मत किया करो, शी इज गॉन केस। रिंकी के निर्णय से अमन सचमुच आहत था। मेरा बार बार उसके बारे में पूछना उसे नागवार गुजरा। मैंने दबी जुबान से सॉरी बोलकर अपनी गलती सुधारी, आइंदा नहीं पूछूंगा प्लीज। अमन से मिलना बातें करना अच्छा लगने लगा था। इसी बीच रिंकल लौट आई थी, लेकिन मुझसे कटी कटी रहती। मैंने भी उसकी परवाह छोड़ दी। अमन ने कब प्यार का इजहार किया, मैंने कब इकरार किया, कुछ याद नहीं, लेकिन हमारे बीच कुछ अनकहा नहीं रह गया था। हम अपनी अंतरंगताएं शेयर कर रहे थे। हमारे एकांत में कलरव था, हमारे शोर में चुप्पी थी, हमारे दिन चमकीले थे, रातें चटक। साथ होते तो साय की तरह, अकेले होते तो साया साथ होता। अमन कहता, शिखा वी आर मेड फॉर ईच अदर। मैं आंखें मूंदे उसे कहे को महसूस करती और मेरी चुप्पी में उतर कर वह जोर से आवाज लगाता, शिखा कहाँ खो गई? लगता मलतास के पेड़ों पर लगे फूल अचानक झरने लगे हों। आंखें खुलती तो इन्हीं पेड़ों के पास खड़ा अमन हाथ पकड़कर चल पड़ता। मैं बेफिक्र ये भी ना पूछती, कहाँ किधर? वो आंधियों से भरी गर्मियों की दोपहर थी। लाइब्रेरी में वातानुकूलन था, किताबों के पन्नों पर पसरी खामोशी थी। इस खामोशी में अमन की कॉल ने खलल डाला। तेज बजती घंटी से सकपकाई मैं लाइब्रेरी में बैठे लोगों को देखने लगी। काउंटर पर स्थित प्रज्ञ लाइब्रेरियन ने मेरी ओर देखकर घूरा तो मैंने हड़बड़ाकर कॉल काट दी। दोबारा कॉल आए इससे पहले ही फोन स्विच ऑफ कर दिया। उस शाम अमन जब लाइब्रेरी गेट पर मिला तो गुस्से से भरा हुआ था। मैंने उसका तेवर देखते ही सॉरी कहा। वह बुरी तरह बिफर पड़ा, हाउ यू डेयर, व्हाट,
मैंने अवाक उल्टा सवाल किया, व्हाट यू मीन? हिंदी में समझाऊं? अमन की भंगिमा हिंस्र हो आई थी। अमन, मैं पढ़ रही थी इसलिए कॉल कट करनी पड़ी। मैं सकपका गई, बमुश्किल सफाई दे पाई। अच्छा, मुझसे ज्यादा आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट हो गई? वह आग बगबूला हो गया था। लाइब्रेरी गेट पर आवाजाहियां जारी थी, लोग रुक कर देखते, मुस्कुराकर आगे बढ़ लेते। मैं अपमान से भरी तेजी से सीढ़ियां उतरती वहां से निकल गई। अमन न पीछे आया न ही आवाज लगाई। मैंने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस रात बिजली कड़की, बादल गरजे, उमस भरी रात में बारिश के आसार बढ़ गए थे। नींद पीजी की छत से उल्टी लटकी हुई थी। अगले दिन कैंटीन में नाश्ता करते हुए सोचा कि अमन से फिर माफी मांगूंगी। हो सकता है रात भर में उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया हो, लेकिन अमन कैंपस में आने के बावजूद मुझसे नहीं मिला, मेरी परवाह तक नहीं की। दिन बेहद उजाड़, निचाट, बेमानी सा गुजरा। लूटे पिटे मन और धूसरा मौसम में जब राहत की सूरत नजर नहीं आ रही थी, अचानक रोहन नजर आ गया। कहाँ? कहीं नहीं। क्यों, खाली हो? हाँ। कहीं बैठे? हाँ ना, कुछ नहीं। कैंटीन नहीं, कैंपस के बाहर। लल्लू जी टी स्टॉल पर रुका रोहन। गर्मी बहुत है, कोल्ड पिए? कोल्ड पीते हुए रोहन ने पहली बार गौर किया। क्या बात है, कुछ बोल नहीं रही, मौन व्रत ले रखा है? बोलना कठिन लगा तो आंखें आसमान की ओर जा टंगी। आर यू ओके शिखा? रोहन परेशान दिखा। रोहन को सीधे फेस करने से बचने के बावजूद मेरी आवाज में नमी थी। या देर से जब्त रुलाई फूट पड़ने को हुई। बड़ी मुश्किल से खुद को जब्त किया। शिखा, क्या हुआ? समथिंग इज रॉन्ग? रोहन की जिज्ञासा में बेचैनी थी। रोहन से क्या बताया, क्या छिपाया, रोहन ने क्या सुना, क्या कहा, कुछ याद नहीं। उस शाम साथ चलते चलते रोहन पीजी गेट तक छोड़ने आया। जाते जाते बोल गया, खाना खा लेना प्लीज। भूख न होने के बावजूद उस रात खाना खाया। बेड पर जाते ही बादल गरजे, बिजली तड़की, बाहर बूंदों की टप टप शुरू हो गई, भीतर सैलाब उमड़ रहा था जिसमें डूबती उतराती रही रात। देर से आई नींद के बावजूद खिड़की पर दस्तक देती रोशनी के साथ आंखें खुल गईं। उस दिन एहसास हुआ कि रोशनी की भी आहट होती है, कि जागने के लिए आवाज नहीं एहसास की जरूरत होती है। बाहर मौसम साफ था, नीला आसमान, उससे उतरती नर्म धूप और ची ची चू चू करती फुरगद्दियों को देखना जैसे खुद को देखने की तरह था। बड़ी देर तक यूं ही खिड़की के पास मुग्ध मन खड़ी रही। ध्यान मोबाइल की आवाज से टूटा, रिंकी की कॉल थी। बेमन से उठाया, हेलो, अमन से झगड़ा हुआ है क्या? रिंकी ने सीधा सवाल किया। तुमको कैसे पता? मैं सतर्क हो गई, अमन ने बताया, कह रहा था कि तुम बहुत उड़ रही हो। तो यही कि वह कह रहा था कि रिंकी सचमुच कुछ कह नहीं पा रही थी, या कि उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी थी, पता नहीं। मैंने उसे उकसाया, कम ऑन रिंकी, साफ साफ बोलो क्या कह रहा था। ये कि उसे पर काटना आता है, थोड़ी हिचक के साथ रिंकी बोली। ये सुनते ही मैं तैश में आ गई। पलट कर मैंने तुरसी से जवाब दिया, रिंकी पर मेरे हैं, उड़ान भी मेरी है, किसी की मजाल नहीं कि मेरी मर्जी के बगैर मुझे छू भी सके। ये सब बोलकर मुझे पहली बार खुद पर गर्व हुआ। मन ही मन खुद को शाबाशी दी, वेल डन शिखा। ये अमन से मोह भंग की शुरुआत थी। मैंने खुद को पढ़ाई, करियर की प्लानिंग और अपने व्यक्तित्व के निर्माण पर केंद्रित कर लिया था। मेरा निर्णय दृढ़ था, मैंने अमन से दूरी बढ़ा ली। ये सब अमन के अहम को नागवार गुजर रहा था। वो पहले तो आक्रामक रहा, फिर याचक, और अब जिद पर उतर आया था। उसकी इन हरकतों से दुखी होकर मैंने एक दिन साफ साफ कह दिया, अमन, हमारे विचार एक दूसरे से नहीं मिलते, हमारे नेचर में भी बहुत फर्क है, बेहतर हो कि हम अलग हो जाएं। अमन को मेरे इस रुख, इस फैसले पर शायद विश्वास नहीं हुआ। वह हैरान था यह देखकर कि मुझ जैसी जज्बाती लड़की, बात बात पर उसकी मिजाज पुरसी करने वाली उसकी गर्लफ्रेंड अचानक इतनी कठोर कैसे हो गई। मुझे इस कदर निरपेक्ष, निष्प्रिय देखने की उसने कल्पना तक नहीं की थी। उसने छूटते ही आरोप लगाया, रोहन तुम्हें बरगलाया रहा है, उसे तो मैं देख लूंगा, मैं बच्ची नहीं हूं जो कोई मुझे बरगलाएगा। मैंने सख्त प्रतिवाद किया, खामखा उसे ब्लेम मत करो। ओहो, बुरी तरह चिढ़ गया था। वाह, उसके लिए इतना दर्द, इतनी वकालत। मैंने बात बढ़ाना उचित नहीं समझा, सारा गुस्सा पी गई। अमन के इस आरोप पर रोहन ने जरूर उसे समझाया, देख अमन,
प्यार किसी पर थोपा नहीं जा सकता, तुझे शिखा के फैसले का सम्मान करना चाहिए, तू ज्यादा काबिल मत बन। आई लव शिखा एंड शी इज माइन, नो नॉट योर्स, मैंने पलट कर जवाब दिया, आई एम नॉट योर प्रॉपर्टी। फिर तो ये पीछा, ये मैसेजेज, ये अनजान नंबरों से कॉल का सिलसिला शुरू हुआ, तो वो अब तक जारी है। कब से लगा रही हूँ तेरा फोन, नहीं लग रहा, कहाँ बिजी थी। माँ ने कॉल रिसीव करते ही सीधा उलाहना देना शुरू कर दिया, रॉन्ग नंबर था माँ, एकदम मूड ऑफ कर दिया। झूठ के साथ गला तर करने की कोशिश मैंने बोतल से एक घूंट भरी। तू ठीक तो है, तेरे पापा कह रहे थे, पता नहीं तू अपने खाने पीने का ख्याल रखती है या नहीं। माँ क्यों झूठ बोल रही हो, पापा को मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी। अनायास ही मेरा मन भर आया, बड़ी देर तक माँ की बातें नसीहतें सुनते हुए हाँ हूँ करती रही, देर रात तक पढ़ने की कोशिश करती रही, लेकिन अजीब सी बेकली से मन उछट जाता। सोने की कोशिश में आंखें भारी थीं, लेकिन नींद गायब, उल्टे सीधे ख्यालों का रेला उमड़ा आ रहा था। बेड पर बैठकर बड़ी देर तक अंधेरे को घूरती रही, रात स्याह घनी थी, घनी रातें इतनी भारी क्यों होती हैं, ये आज महसूस हुआ। सुबह अभी पूरी तरह जाग भी नहीं हुई थी जब मेरे रूम के दरवाजे पर तेज तेज होती दस्तक से मैं चौंक कर उठ बैठी। बाहर पीजी मालकिन रीता शर्मा आवाज दे रही थी, निंदियाई सी बेमन उठकर दरवाजा खोला, सामने रीता शर्मा के साथ दो लेडी कांस्टेबल देख मैं घबरा गई, नींद उड़ गई, चेहरा फक पड़ गया, माजरा क्या है। एक लंबी तड़ंगी कांस्टेबल ने निहायत सख्त लहजे में कहा, चल भाई थाने चलना है, तेरे को बड़े साहब ने बुलाया है। थाने किस लिए, मैं हकला पड़ी। चल तो सही पहले, वही सब पता चलेगा, साबी सारा केस समझाएंगे। इस बार मोटी थुलथुल दूसरी कांस्टेबल बोली, उसकी आवाज भी खुरदरी थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लगा खड़े खड़े गिर पड़ूंगी। दरवाजा थाम कर खुद को संभालने की कोशिश की। थाने में थोड़ी देर इंतजार के बाद आया पुलिस इंस्पेक्टर, सीधे उससे मुखातिब हुआ। अमन सिन्हा को तो जानती हो ना, अमन वही तुम्हारा बॉयफ्रेंड, उसने आज रात सुसाइड कर ली, ये तो मालूम ही होगा। अमन सुसाइड, क्या कह रहा इंस्पेक्टर। मेरा दिल डूबने लगा, धरती घूमती जान पड़ी। भयाक्रांत मैं इंस्पेक्टर के चेहरे पर व्याप्त कठोरता देख कांप गई, अंदर से दर्द की तेज लहर उठी और मैं बेसाख्ता फफक पड़ी। तुम तो यहाँ पूछताछ के लिए लाया गया है, आवाज और अंदाज का रूखापन इंस्पेक्टर की उपस्थिति को कहीं ज्यादा भयावह बना गई। बेचैनी से पहलू बदलते हुए मैंने इस वक्त खुद को निहायत असहाय पाया। अचानक ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा, ये क्या है। अपने आसपास से गुजरते पुलिस वालों को देखते हुए, हथकड़ी लगे अपराधियों की विद्रूप हंसी को झेलते हुए, लग रहा था कि मैं किसी खौफगाह में बैठी हूं। मेरे इस खौफ को और ज्यादा गहराया पास आकर खड़ी एक लेडी सब इंस्पेक्टर ने। वह बता रही थी, अमन को सुसाइड के लिए तुमने उकसाया, ये आरोप उसके पेरेंट्स ने तुम पर लगाया है। मेरी घिघी बद गई, भय मेरे वजूद को अपनी गिरफ्त में कसता जा रहा था, फिर भी मन ही मन तय किया कि चाहे जो हो कमजोर नहीं पड़ना है, ये इनकी कोई चाल भी हो सकती है, फंसाने की कोशिश। एक साथ कई ख्याल आए गए, विपत्ति में दिमाग कितनी तेजी से सोचता है, ये पहली बार जाना, अब जो होगा देखेंगे, लेकिन ये सब इतना आसान न था। किसी तरह साहस जुटाकर रोहन को कॉल किया। घंटे भर के भीतर रोहन और मीडिया वाले एक साथ थाने में दाखिल हुए। रोहन को देखकर मेरी जान में जान लौटी। मेरे पास आकर उसने मेरा कंधा थपथपाया। मीडिया वाले इंस्पेक्टर से पूछ रहे थे, क्या लड़की गिरफ्तार है। नहीं, सिर्फ पूछताछ के लिए लाई गई है, इंस्पेक्टर ने पेशेवर ढिठाई से जवाब दिया। एक महिला रिपोर्टर मुझसे मुखातिब हुई, पुलिस ने आपको टॉर्चर तो नहीं किया। इतनी देर तक थाने में बैठे रहना किसी टॉर्चर से कम है क्या। कहना तो चाहा, लेकिन बमुश्किल इनकार में सिर हिला पाई। दहशत, हैरानी, लाचारी की गिरफ्त में मैं अपने आप में कहां थी। रोहन ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर हौसला दिया तो आंखें छलक आई। इतनी देर तक जब्त सब्र का बांध टूट गया था। टीवी कैमरों ने मुझे क्लोज किया, मैं दुपट्टे से आंखें पोंछने लगी। महिला रिपोर्टर ने फिर सवाल किया, अमन ने आपकी वजह से सुसाइड किया। मीडिया वाले इतने तमाशेबाज क्यों होते हैं, महिला होते हुए भी ये रिपोर्टर ऐसे सवाल कैसे पूछ सकती है। दुपट्टा मुंह में दबाकर रुलाई रोकने की कोशिश की, रोहन की तरफ देखा, उसने मेरी पीठ थपथपाते हुए मेरा हौसला बढ़ाया, कम ऑन शिखा, बोलो, खुलकर अपनी बात रखो। मैंने आंखें पोछी, गला सूख गया था, थूक निगल कर किसी तरह बोल पाई,
अमन से मेरा ब्रेकअप हो चुका था, मुझे नहीं मालूम उसने सुसाइड क्यों किया। अमन ने फेसबुक पर अपना सुसाइड लाइव किया था, एक दूसरे रिपोर्टर ने अगला सवाल लगा, फिर कैसे नहीं पता आपको? मैं सिहर गई, आंसू रोक पाना संभव नहीं हो पा रहा था। अमन की आत्महत्या, मुझ पर इल्जाम और सारा घटनाक्रम इतना प्रत्याशित था कि जज्बात का सैलाब उमड़ पड़ा। मेरी बंधती हिचकी के सामने रिपोर्टर का माइक सवालिया था। मैंने रोहन की ओर देखा, रोहन ने रिपोर्टर को बताया यह अमन को अनफ्रेंड कर चुकी थी। वही रिपोर्टर इंस्पेक्टर से पूछ रहा था, अमन का सुसाइड फेसबुक पर लाइव हो रहा था तो पुलिस को पता क्यों नहीं चला? इसका जवाब तो साइबर सेल ही दे सकता है। इंस्पेक्टर ने जान छुड़ाने की गरज से लाचारी जताई। थाने से निकलते निकलते दोपहर हो गई। अब तक खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। पीजी के कॉमन रूम में टीवी पर एंकर जोर जोर से चिल्ला रही थी, अमन सिन्हा नाम के युवक ने देर रात सुसाइड कर दिया। अपने सुसाइड को फेसबुक पर लाइव करते हुए उसने कहा था कि वह प्रेम में नाकाम होने की वजह से जीना नहीं चाहता। अमन के पिता हाईकोर्ट के जाने माने वकील हैं। उन्होंने अपने बेटे के सुसाइड के लिए उसकी प्रेमिका को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इस आरोप के बाबत कथित प्रेमिका का कहना है कि उसका अमन के साथ ब्रेकअप हो चुका था और वह नहीं जानती कि अमन ने सुसाइड क्यों किया। वह इस मामले में अपने आप को पूरी तरह निर्दोष बताती है। पीजी की लड़कियों ने मुझे घेर लिया, बिल्कुल छाप लेने की तरह। उनका वह घेरा अचानक मेरा सुरक्षा कवच बन गया था। कुछ के चेहरे पर मेरे लिए अफसोस तो कुछ के चेहरे पर आश्चर्य था। कुछ उत्सुकता से भरी थी तो कुछ असमंजस में थी। एक सीनियर लड़की ने मेरे दोनों कंधों पर अपने दोनों हाथ रखकर हौसला बढ़ाया। ब्रेवो शिखा, वी प्राउड ऑफ यू, हम तुम्हारे साथ हैं। न सवाल न जवाब, न लानत मलामत, न शिकवा सफाई। गोया जो अफसाना मेरा था उससे अलग न थी उन सब की कहानी। जो सच मेरा था कमोवेश वही सच इन तमाम लड़कियों का भी था। मैं अकेली नहीं हूं, इस एहसास ने बल दिया। मैंने सभी के प्रति दिल से आभार जताया। थैंक यू डियर, थैंक यू ऑल, आई विल फाइट एंड विन। थाने से लौटते हुए सारी राह रोहन समझाता रहा था, शिखा खुद को गिल्टी मानना छोड़ो, अपराध बोध से बाहर निकलो, किसी को भी ना कहने का तुम्हारा अधिकार है। तुमने वही किया था, तुम अपनी जगह पर सही थी और आज भी सही हो। रोहन की बातों से मेरे अंदर जमा गुबार धीरे धीरे छंटने लगा। दुख और द्वंद की जकड़ ढीली पड़ने लगी। पीजी गेट के सामने रुककर एक बार फिर हौसला बढ़ाया। जाओ फ्रेश होकर फाइटर बनो, फाइटर बनने की तैयारी करो, मैं किसी वकील से बात करके शाम तक आता हूँ। रोहन चला गया। मैं सोचने लगी, कौन है यह रोहन? अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। मम्मी की कॉल आ रही थी। मम्मी इस कॉलिंग की टेर से मेरे होश उड़ गए। सुबह से जिस अप्रत्याशित और हौलनाक स्थितियों से गुजरती रही हूँ उसमें किसी को कुछ बता पाने का होश ही कहाँ था। तब तो जैसे मम्मी पापा घर समाज का बोध ही लोप हो गया था, और अब जब इस वक्त कॉल से वो बोध लौटा है तो फोन उठाते हुए हाथ कांप रहा है, गला अवरुद्ध हो गया। बड़ी कठिनाई से बोल फूटे, माँ। रुलाई गले में अटकी हुई थी, सांस सीने में थम गई। उधर से माँ की तड़पती आवाज गूंजी, बेटा ये कैसा समाचार है? टीवी पर तुम्हारे बारे में क्या नाप शनाप बोल रहा है? अमन ने आत्महत्या कर ली, ये सब क्या है? तुम ठीक तो हो बेटा? माँ की अधीरता, व्यग्रता, उतावलेपन से जाहिर था वह सब जान चुकी हैं। मुझसे कुछ बोलते न बन पड़ रहा था। अटकी सांसों और अल्फाजों के बीच मैं अपने आंसुओं से लड़ रही थी कि दूसरी ओर से पापा की आवाज आई, फोन मुझे दो, मैं बात करता हूं। मेरी रूह कांप गई, क्या जवाब दूंगी पापा को? किस मुंह से कहूंगी कि मैं आपके विश्वास की रक्षा नहीं कर पाई? अपनी बेटी को अजनबी शहर में न भेजने को तैयार पापा का भरोसा कैसे लौटेगा? मैं सहमी हुई सांसें रोके बैठी थी कि पापा की आवाज आई, शिखा सुनो बेटा, हम आ रहे हैं, घबराना मत। बिल्कुल घबराना नहीं है, सुनो हम सुबह तक पहुंच जाएंगे, तब तक हिम्मत से काम लेना बेटा, हिम्मत से। मेरी रुलाई गले में ही घुट कर रह गई। ये वो पापा तो नहीं थे जिन्हें मैं जानती हूँ? पापा बोले जा रहे थे, मैं सुन रही थी, जी मैं आ रहा था। पापा यूं ही बोलते रहे और मैं सुनती रहूं। यही सुनना तो मेरी चिर आकांक्षा रही है। इस सबसे कठिन समय में मेरे साथ खड़े मेरे पापा मेरे लिए अब तक कितने अबूझ रहे हैं। उनका ये रूप कभी क्यों नहीं देख पाई? कितना कुछ अदेखा रह जाता है किसी का भी भीतर बाहर।
दोपहर बाद कुछ और टीवी वाले आ गए, वही सवाल, वही आरोप, पुलिस की भूमिका और मेरा पक्ष। रोहन ने हिदायत दे रखी थी, हर हाल में अपने स्टैंड पर कायम रहना, हर सवाल का जवाब सोच समझ कर देखना, लीगली क्या करना है वो वकील बताएगा। रोहन शाम को आया, साथ में एक महिला वकील भी थी। कई सवाल जवाब के बाद वकील ने आश्वस्त किया, शिखा डोंट वरी, केस में दम नहीं है, सुसाइड का आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, साबित भी करना पड़ता है, ये केस तो कोर्ट में स्टैंड ही नहीं कर पाएगा, वी विल विन। अब तक मैं खुश हूँ, दुखी हूँ या इस सबसे परे हूँ, कुछ सोच पाना संभव नहीं हो पा रहा था। इस दौरान जो कुछ भी घटित गुजरा था इतना अप्रत्याशित अकल्पनीय था कि मेरी चेतना जैसे कुंद पड़ गई थी। रोना आ रहा था, रो नहीं पा रही थी, अमन के लिए, उसके मम्मी पापा के लिए भी दिल फटा पड़ रहा था। खासकर अमन की मम्मी का चेहरा आंखों में कौंध रहा था, क्या गुजर रही होगी उन पर, आंसू घुमड़ रहे थे, दुख सीने में जमा हुआ था, जबरन खुद को जब्त किए हुए थी। प्राइम टाइम में पैनल डिस्कशन के लिए मुझे भी टीवी पर लाइव होना पड़ा, ये सब निहायत तकलीफ देह था। खुद को निर्वसन करने जैसा अश्लील आरोप प्रत्यारोप सफाई जवाब कितनी बार गला रूंधा, आंखें गिली हुई, खुद को कटघर में पाना कितना शर्मनाक, कितना अपमानजनक होता है, ये आज पता चला। प्रोग्राम खत्म होने के तुरंत बाद रोहन का फोन आया, शिखा प्राइम टाइम देख रहा था, वेल डन, तुमने मजबूती से अपना पक्ष रखा। थैंक यू रोहन मेरा साथ देने के लिए, तुम्हारी वजह से ही मैं ये सब फेस कर पा रही हूँ, इस मुश्किल समय में जिस तरह तुम मेरे साथ खड़े हो, रियली आई प्राउड ऑफ यू। तुम्हारे पेरेंट्स कब तक आ रहे हैं शिखा, मेरी बात पर बिना कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए उसने सवाल किया। उसकी यही आदत अच्छी लगती है कि वह अपनी प्रशंसा पर इतराता नहीं, एहसान जताने जैसा भाव तो कतई नहीं होता। मैंने पूछा सुबह सुबह तक पहुंच जाना चाहिए। ओके, आज बहुत तनाव से गुजरी हो, थक गई होगी, आराम करो, कल बात होती है। रोहन सुनो तो सही, मैंने हड़बड़ा कर उसे रोकना चाहा, लेकिन उधर से उसने कसकर झिड़की लगाई, अभी तुमको आराम की जरूरत है, टेक केयर। कॉल कट चुकी थी, मैंने लंबी सांस ली। रोहन तुम जितना मुझे समझ पाए उतना अमन क्यों नहीं समझ पाया, उसे इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आई कि प्यार बराबरी का रिश्ता है, न कि कम न कम न ज्यादा। मानती हूँ हर लड़का अमन जैसा नहीं होता, लेकिन हर लड़का रोहन जैसा भी कहाँ होता है, ये सच भी तुमसे मिले बगैर कहाँ जान पाती। थैंक यू रोहन, थैंक यू। रात के गहराते सन्नाटे में मेरे भीतर बैठा अपराध बोध सर उठाने लगा, कहाँ गलती हुई, अमन क्यों नहीं अपने कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल पाया, क्यों उससे मेरा कब करना गलत था, क्या उससे मेरा ब्रेकअप करना गलत था, मेरे मन मेरे मान की फिक्र क्यों नहीं कि उसने, उसका ईगो मेरे प्यार से ज्यादा अहम था। कितने ही अनसुलझे सवालों की गिरफ्त में कमरे का स्याह अंधेरा डराने लगा, मेरे तई आंसू आह और अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचा था। सुबह सुबह मम्मी पापा को सामने पाकर भीतर घुमड़ रहे बादल टूट कर बरस पड़े, हिचकियां बद गई, मम्मी ढाड़स बदाती रही, पापा चुप बैठे रहे। जी में आया कि पापा से लिपट कर अपनी गलती की माफी मांगूं, लेकिन हिम्मत न हुई। मेरी बहू की हालत देख पापा ने झिड़की लगाई, शिखा खुद को संभालो बेटा, तुम कमजोर होकर अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकती, ये पापा हैं, मेरे पापा, यकीन नहीं आता। पापा की आंखें लाल थीं, शायद रात भर की यात्रा से या कि मेरे साथ हुए हादसे के असर से, मेरा मन उनके लिए तड़प उठा। पापा पर क्या गुजरी होगी, अपने आप को कैसे संभाला होगा उन्होंने, सख्त जान पिता ने कितना मारा होगा अपने अभिमान को। मेरे मन में उनके लिए करुणा उमड़ रही थी, मैं सच उनसे लिपट कर रोना चाह रही थी, उस स्नेह के ताप को महसूस करना चाह रही थी जो अब तक अदीट था, लेकिन हिचक थी, पिता पुत्री के बीच तयशुदा अनुशासन था, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। पापा पूछ रहे थे, मैं बता रही थी, एक एक डिटेल, एक एक वाकया, इस तफसील में न उन्होंने अमन और मेरे बीच के रिश्ते पर कोई जवाब सवाल किया, न कोई सफाई मांगी। रोहन कौन है, अलबत्ता यह प्रश्न मम्मी ने जरूर किया। रोहन के बारे में सब कुछ बताया, अमन से ब्रेकअप के बाद जिस तरह रोहन ने उसे नैतिक सपोर्ट दिया था, अपनी आइडेंटिटी को पहचानने के लिए प्रेरित किया और सेल्फ रेस्पेक्ट के प्रति सचेत किया, वो सब बताया। इस कठिन समय में जिस दृढ़ता के साथ उसने मेरा साथ दिया, मानसिक और भावनात्मक मजबूती दी, उस सब का जिक्र करते हुए मैं भावुक हो गई। मम्मी ने खींच कर मुझे बाहों में भर लिया, पापा उठकर खिड़की के पास चले गए थे। रोहन को कॉल करके मम्मी पापा के आने की खबर दे दी, वह आया।
पापा मम्मी को प्रणाम कर चुप खड़ा हो गया तो मैंने रोहन को बताया, रोहन मम्मी पापा तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। पापा ने रोहन से वकील, अब तक हुई कार्रवाई और आगे क्या करना है जैसी बातें की। फिर उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए बोले, रोहन तुम्हारे बारे में शिखा ने बताया, तुमसे मिलकर यह भरोसा बढ़ता है कि वाकई दुनिया अच्छे लोगों से खाली नहीं है। रोहन झेप से दोहरा हो गया। उसके झेपने में ऐसी मासूमियत थी कि मैं क्षण भर को सारा संताप भूल गई। इस क्षण जैसे तपते सहरा में बादल का कोई टुकड़ा उमड़ा और उम्मीद की सुखी नदी जी उठी, उद्दाम कामना से भरी। अंतः सलीला होना इसी को कहते हैं शायद। मुग्ध मन मैं रोहन को अपलक देखती रही। रोहन सकुचाया सा बेहद धीमे स्वर में बोला, शिखा जरा बाहर आओ, कुछ बात करनी है। रोहन अपना बैग उठाकर बाहर निकल गया। मैंने चोर नजरों से मम्मी पापा की ओर देखा, वे निरपेक्ष भाव से दरवाजे की ओर देख रहे थे। मैं तेजी से रोहन के पीछे भागी। रोहन गेट के पास प्रतीक्षारत खड़ा था। मैं ठिठकी, प्यार उमड़ आया उस पर। एक हल्की सी स्मृति लिए उत्सुकता से भरी उसके करीब पहुंची, दबे स्वर में पूछा, रोहन क्या हुआ, कुछ खास बात है क्या? रोहन मेरी ओर देखने के बजाय बाहर सड़क की ओर देख रहा था, जैसे जानबूझकर नजरें चुरा रहा हो। मैंने महसूस किया कि रोहन के बॉडी लैंग्वेज में एक अजीब सी असहजता है। उसका बेबाक व्यक्तित्व कुछ संकोच, कुछ अनमनेपन से शिथिल नजर आ रहा था। वह थका था या मुझे लेकर फिक्रमंद, कुछ कह नहीं सकती। थोड़े आवेग, थोड़ी आशंका के बीच मैंने कसकर उसका हाथ थाम लिया। उसकी नजरें मेरी ओर लौटी। उसके इस देखने में अंतरंगता जैसी कोई स्निग्धता नहीं थी। शायद मुझे भ्रम सा हुआ। मैंने घबरा कर उसे छिछोड़ा, रोहन तुम कुछ कहने वाले थे? शिखा आई डोंट नो, मैं जो कहने जा रहा हूँ पता नहीं तुम उसे कैसे लोगी, बट यार आई एम सॉरी एंड होप अदरवाइज नहीं लोगी। अपनी बात सीधे सीधे कह देने वाला रोहन इतना घुमा फिरा क्यों रहा है? मेरा माथा ठनका, मैं खामोश, कुछ अवांछित सुनने की आशंका से खुद में सिमट गई। मेरा हाथ स्वतः रोहन के हाथ से अलग हो गया। रोहन बोल रहा था, लेकिन यह रोहन की आवाज नहीं थी। सच कहूं तो यह रोहन था ही नहीं। मेरे इर्द गिर्द एक आंधी हैरा रही थी और मैं उस अंधड़ में अपना वजूद घिरा पा रही थी। शिखा तुम्हारे बारे में मीडिया में इतना कुछ उल्टा सीधा चल रहा है कि तुम्हारी इमेज पर सवाल उठने लगे हैं। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारे बारे में मुझसे ज्यादा मीडिया को जानकारी है। तरह तरह की कहानियां, अमन और तुम्हारे क्लिप्स देखकर मेरे घर वाले, मेरे जान पहचान वाले तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि मुझे सफाई देते नहीं बन रहा है। आफ्टर ऑल शिखा इमेज भी कोई चीज होती है। किसी अंधे मुहाने पर खड़ी मैं फटी आंखों से रोहन को देखती रही। शायद वह कुछ और बोले, शायद वह कहे फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन नहीं, वह तो अपने पीछे एक सनसनाता खालीपन, एक अनवरत अबूझपन, एक अनचाही तृष्णा छोड़कर चलता बना। सामने पीजी का बड़ा सा गेट सूना पड़ा था। मैं दौड़कर बाहर आई, सड़क पर उसे जाते हुए एक तक देखती रही। एक आस थी शायद वह मुड़कर देखे और मुझे देखकर लौट आए। देखते देखते रोहन का साया तिरोहित हो चुका था। मेरे मुंह से एक अफसोस भरी आह निकली, ओह रोहन तुम भी। ये कहानी समाप्त होती है यहाँ पे। और मैं एक बात ये बताना चाहूंगा इस कहानी के बारे में, ये कहानी बहुत पुरानी नहीं है, बल्कि ये 2020 की आखिरी दिनों में लिखी हुई कहानी है। और दिसंबर 2020 में ये कहानी हंस में छप कर आ चुकी है। तो अभी 3-4 महीने पहले ये कहानी छपी भी है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि बहुत मेरी अब तक की ताजा कहानियों में से एक कहानी है जिसे मैंने आज पहली बार सार्वजनिक तौर पर आप लोगों के लिए इसका पाठ किया। और मुझे नहीं पता कि ये इस कहानी ने कितना असर डाला, क्या अपने समय को पकड़ पाई ये कहानी, मुझे नहीं पता। मुझे आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा होगी। बहरहाल जो भी मुझे कहना है उस कहानी ने कहा। मैं अपना वक्तव्य अतिरिक्त देने का मैं यकीन नहीं करता। और ये कहानी बहुत ताज़ा है। और मैं ये भी कहूँ कि मैं पत्रकार रहा हूँ और तमाम स्थितियों से मैं दो चार होता रहा हूँ, तो मैंने ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी जब लड़के सुसाइड कर रहे थे लाइव, कभी किसी चैनल से कभी किसी चैनल से। और आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों न्यूजीलैंड में
एक बहुत मैस्कर हुआ था जिसको वहां जिस वो जो व्यक्ति था उसने लाइव टेलीकास्ट किया था। तो इन तमाम घटनाओं का एक जहन पे असर था और जो कुछ भी हो रहा है वो कितना नृशंसतापूर्ण है और कितने हम असहिष्णु हो गए हैं प्रेम को लेकर के, इस तमाम चीजों ने मुझे हॉन्ट किया और फिर ये कहानी सामने आई जो आपके लिए आपकी समीक्षा के लिए प्रस्तुत है।